हिंदी ए कोर्स से, जो बच्चे बीए प्रोग्राम कर रहे हैं, ऑनर्स कर रहे हैं सेकंड ईयर में दिल्ली यूनिवर्सिटी एस वेल रेगुलर से, उनके कोर्स में हिंदी ए है। आज से हम हिंदी की वीडियो शुरू कर रहे हैं, ठीक है। जल्दी मैं काफ़ी वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आज हम अध्याय पढ़ने वाले हैं, वो है लेसन नंबर वन में, जिसमें है मुझको ना मिला रे कभी प्यार। देखिए इस लेसन के जो है, इस पार्ट के जो है दो हिस्से हैं, ठीक है ना। जो लेखक है उन्होंने दो हिस्सों में इसको बांटा है और दोनों ही कविताएं हैं। पहली है मुझको ना मिला रे कभी प्यार और दूसरा है अरि वरुणा की शांत कछार, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना। देखिए कभी भी किसी भी पाठ को जानने से पहले उसके लेखक के बारे में भी जानना बहुत जरूरी होता है। और दूसरा ये कि आपके कोर्स में जीवन परिचय भी जरूर आएगा, तो इन मैं सभी लेसनों के साथ आपको जीवन परिचय भी कराऊंगा उन लेखकों के। इसलिए मैंने कुछ कंसाइज करके एक छोटा सा जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद के लिए बनाया है, आप उसको देखिए। पहले देखिए जीवन परिचय में, महान छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी वाराणसी के एक संपन्न घराने में 1889 में हुआ था, ठीक है। महान छायावादी कवि, देखिए छायावादी कवि वह कवि होते हैं जो प्रेम कविताएं प्रेम के ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना, कहानियां लिखते हैं। उनका जन्म जो है, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी वाराणसी में कहाँ कब हुआ था, 1889 में हुआ था, एक संपन्न घराने में हुआ था, ठीक है। अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद, ठीक है, सुंगनी साहू तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। जो ये देवी प्रसाद जो थे, ये जो है तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। 8वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात प्रसाद जी ने घर पर ही स्वाध्ययन से संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी सीखी। देखिए इन्होंने 8वीं तक जब शिक्षा प्राप्त कर ली तो उन्होंने आगे की जो है सेल्फ स्टडी करके संस्कृत सीखी, हिंदी सीखी, उर्दू, अंग्रेजी खुद से सीखी घर पर ही रहकर, ठीक है। इन्होंने भारत की सांस्कृतिक परंपरा और वैदिक साहित्य का गहन अध्ययन भी किया, जिनका स्पष्ट प्रभाव इनकी साहित्य रचनाओं पर दिखाई पड़ता है, इनकी कविताओं में, इनकी कहानियों में, ठीक है, इनकी सभी चीजों में जो ये लिखते हैं निबंध में, सब में दिखाई पड़ता है। कविताओं की ओर प्रसाद जी का झुकाव बाल्यकाल से ही था, यानी बचपन से ही इन्हें कविता लिखने का, बोलने का, सुनाने का शौक था। जयशंकर प्रसाद जी हिंदी जगत में छायावाद के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कवियों में प्रतिष्ठित हुए, देखिए वह बहुत फेमस हो गए कवियों के बीच में। साथ ही उन्हें नाटककार, एकांकीकार, उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार के रूप में भी जो है ख्याति प्राप्त हुई, लोग जानने लगे, फेमस हुए वो, ठीक है ना। इनकी कुछ काव्य कहानियां कृतियां आदि जो इन्होंने लिखी हैं, उनमें मैं कुछ उदाहरण आपको दे रहा हूँ, इस प्रकार है। जैसे उर्वशी 1909 में, वन मिलन 1909 में, झरना 1918, आंसू 1925, कामना 1923 से 24, यानी काफी लंबे राइटिंग चली इनकी, इन्होंने ये जो लिखा था। और दूसरा है चंद्रगुप्त 1931, ठीक है, आदि ये जो है इन्होंने लिखी। अब हम सबसे पहले जो पहला जो पार्ट है इस अध्याय का, उसके बारे में देखेंगे। देखिए मुझको ना मिला रे कभी प्यार, ये जो पहला इसका पहली कविता है, प्रस्तुत कविता में प्रसाद जी ने एक ऐसी हृदय का उल्लेख किया, उकेरा है, जो प्रेम के लिए अति व्याकुल और प्यासा है। देखिए इस कविता में जो लेखक हैं प्रसाद जी, उन्होंने एक ऐसे हृदय, ऐसे दिल की बात कर रहे हैं जो प्रेम के लिए अति व्याकुल और प्यासा है। उसे सच्चे प्रेम की तलाश है, यानी उस हृदय को सच्चे प्रेम की तलाश है जो उसे कहीं नहीं मिलता, ठीक है। उस हृदय को इस संसार में कहीं भी प्रेम नहीं मिला, वह सदा प्रेम की खोज में तड़पता वह प्यासा रहा, पर उसे प्रेम नहीं मिला। उस हृदय ने ऐसी स्थिति में पुकार लगाई, तो अब जैसे उसकी स्थिति है, उसे कहीं भी प्रेम नहीं मिल रहा, तो उसने पुकार लगाई, क्या लगाई, मुझे कभी प्यार नहीं मिला। तो कवि ने, जो लेखक ने, इसी को ही नाम दिया है पोयम का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा, वह हृदय जब कभी प्यार के भ्रम में नजदीक पहुंचा भी तो वहां सिर्फ वासना का रूप प्रकट हो गया, यानी कि जब उसे कभी प्यार मिला भी या किसी ने उसे प्यार दिया भी तो सिर्फ माँ उसे वासना नजर आई। उसने सागर और लहरों जैसे प्रेम के साथ बड़े बड़े वादे करने वाले प्रेमियों के बीच भी वासना अंश पाया, यानी जो बड़े बड़े वादे करते हैं
कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वहां भी उन लोगों के बीच भी लेखक ने सिर्फ वासना को पाया। वह इस प्रेमहीन संसार में एक मुस्कान के लिए तड़पता रहा। वह मतलब वो हृदय जो है इस संसार में एक मुस्कान के लिए तड़पता रहा, परंतु जिसे वह प्रेम की मुस्कान समझता था वह उसका भ्रम था। वह चाहता था कि उसको अर्थात दिल को हृदय को कोई ऐसा मिले जो उसकी प्रेम प्यास को शांत कर उसके जीवन को प्रेम से भर दे। इसके उलट उसे ऐसे लोग ही मिले जिन्होंने उसके निश्चल प्रेम के बदले छल कपट पीड़ा घृणा धोखा दिया। यानी कि जो वो मांगता तो प्रेम था लोगों से, ऐसा लोग ऐसे लोगों को मिलना चाहता था जो उसे प्रेम दे, लेकिन इसके उलट ही हमेशा होता था। उसे ऐसे लोग मिलते थे जो उसके साथ छल कपट करते थे, उसे पीड़ा देते थे, घृणा करते थे, उसे धोखा देते थे उसको, तथा मोह बंधन में बांधने का प्रयास किया करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन सारी स्थितियों से गुजर कर, देखिए यहाँ से अब चेंज होता है कुछ, इन सारी स्थितियों से गुजर कर कवि को प्रेम की वास्तविक रूप का बोध होता है। वह अपने हृदय को संबोधित करते हुए प्रेम के स्वरूप को समझाते हैं कि तू पागल है। यानी वह अपने हृदय से बात करते हैं अब लेखक, और उसे समझाते हैं कैसे संबोधित करके, तू पागल है जो प्रेम मांगता फिरता है, फिर कहता है कि प्रेम मांगने की चीज नहीं अभी तो देने की वस्तु है। यानी जो प्रेम है वह मांगने की चीज नहीं है, ये देने की वस्तु है। प्रेम दोगे तो कभी ना कभी प्रेम जरूर मिलेगा, ये लेखक उसको समझाते हैं। तुम्हें सभी को प्रेम देना चाहिए, कभी किसी से प्रेम पाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, यह प्रेम पाने की इच्छा ही तुम्हारी पीड़ा का कारण है। यानी कि तुम प्रेम दोगे तो तुम्हें प्रेम मिलेगा, प्रेम पाने की इच्छा ही जो है प्रेम की पीड़ा का कारण होती है। ठीक है ना, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा पहला पार्ट, पहली कविता। हम दूसरी कविता की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला पार्ट जो है, अगली कविता है अरी वरुणा की शांत कछार। ठीक है ना, देखिए प्रसाद जी ने ये कविता की रचना सारनाथ में निर्मित मूल गंध कुटीर विहार के उपलक्ष्य में की। देखिए सारनाथ में जब बौद्ध भिक्षुकों के लिए विहार बनाए जा रहे थे रहने के लिए, तब वहां पर मूलगंध कुटीर विहार के उपलक्ष्य में प्रसाद जी ने इस कविता की रचना की थी, अरी वरुणा की शांत कछार। ठीक है ना, वाराणसी जिले में सारनाथ वरुणा नदी के कछार में स्थित है। ठीक है, किनारे पर स्थित है। वरुणा नदी के तट पर फैली मनमोहक हरियाली से प्रभावित होकर, देखिए वरुणा नदी के तट पर बहुत ही सुंदर हरियाली उस समय फैली हुई थी जब लेखक ने एक कविता की रचना की थी, वहां से उससे प्रभावित होकर प्रसाद जी ने इस क्षेत्र को वरुणा की शांत कछार कहकर संबोधित किया। ठीक है, शांति वहां पर थी तो शांत किनारा वरुणा की कहकर संबोधित किया। सारनाथ में ही महात्मा बुद्ध का धर्म चक्र प्रवर्तन हुआ। बौद्ध धर्म के विकास के साथ जब बौद्ध धर्म प्रचलन में आया, यानी फेमस हुआ, प्रचलन में आया, शुरू हुआ, यहाँ विशाल बौद्ध विहारों का निर्माण हुआ। वहां पर बौद्ध विहार यानी बौद्ध भिक्षुकों के रहने के निवास स्थान बनाए जाने लगे। इन विहारों में बौद्ध भिक्षुक निवास किया करते थे। कवि प्रसाद जी ने भारतीय इतिहास के इस गौरवमयी परंपरा को अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त करने का सफल प्रयास किया। यानी कि जो ये भारतीय इतिहास की गौरवमयी परंपरा है, ठीक है, बौद्ध भिक्षु से रिलेटेड या बौद्ध धर्म से रिलेटेड, उसका प्रसाद जी जो हमारे लेखक हैं उन्होंने अपने कविता के माध्यम से व्यक्त करने का सफल प्रयास किया है। कवि प्रसाद ने सारनाथ को व्याकुल प्राणियों का आराम पहुंचाने वाला विश्राम स्थल बताया है। यानी कि जो बौद्ध भिक्षु थे, ठीक है, वह जो है जो नए जो लोग जो बौद्ध धर्म से जुड़ते थे वो वहां पर आकर अपने मन को शांत करते थे, ठीक है, विश्राम करते थे और सत्य की खोज करते थे। ठीक है, सत्य की खोज करके महात्मा बुद्ध संसार को सत्य का मार्ग दिखाने में उपदेश सुनाने के लिए सबसे पहले इसी सार स्थान पर आए थे, यानी सारनाथ में। जो महात्मा बुद्ध हैं, जब उन्हें सत्य की खोज हो गई थी उसके बाद वे दूसरे लोगों को रास्ता दिखाना, मार्ग दिखाना चाहते थे, ठीक है, इसमें जो तो उन्होंने क्या करा, महात्मा बुद्ध ने संसार को सत्य का मार्ग दिखाने के लिए उपदेश देने की ठानी, और उन्होंने उपदेश देने के माध्यम से संसार को सत्य का मार्ग दिखाया। तो सबसे पहले जो गौतम बुद्ध ने जो सबसे पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में ही दिया था, इसी स्थान पर। ठीक है ना, तो इसलिए
इसलिए वो यहाँ पर आए थे। तो आई होप आपको ये जो कविता है समझ आ गई होगी, हरि वरुणा की शांत कछार। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, आपका लाइक मुझे बहुत सपोर्ट करता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो बच्चे नए हैं चैनल पर, पहली बार विजिट कर रहे हैं, मैं आपको बता दूँ कि मैं बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर की इंग्लिश और हिंदी का कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ, और मैंने हिंदी शुरू कर दिया आज से। और मैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल पर जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाए। मैं जल्द ही दूसरी वीडियो के साथ फिर मिलता हूँ आपसे। तब तक के लिए बाय बाय।